इस धर्मगुरु ने यीशु को रात्रि भोज पर बुलाया। यीशु उनके घर गए और भोजन करने बैठे। चलो बच्चों, यहाँ से चले जाओ। तुमने सुना नहीं, जाओ। बड़े शरारती हैं ये बच्चे। ये यहाँ क्या कर रही है? कर क्या रही है? यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के दो कर्जदार थे, एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ।